एक तरफा प्रेम के चलते एक युवक ने युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से किए गए इस हमले में पीड़ित युवती गंभीर घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल पारा चौकी क्षेत्र के ग्राम नवापाड़ा का रहने वाला विकास नामक युवक उसी गांव की रहने वाली रूमा नामक युवती से एक तरफा प्रेम करता था। विकास युवती पर लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि पीड़ित युवती इस संबंध के लिए राजी नहीं थी। इसी बात से नाराज युवक आज युवती के घर जा धमका और युवती पर शादी के लिए दबाव बनाने लगा। युवती के इनकार करने पर आरोपी युवक ने पीड़िता पर धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर दिया। खिड़की थी, खिड़की में अंदर ये घुस गया, ये खिड़की में से अंदर मकान में, फिर जहाँ छोरी सो रही थी तो पलंग पर आ गया। ये पलंग पर आ करके छोरी को धमकी दी कि मेरे से शादी करेगा कि नहीं करेगा। छोरी ने बोला कि मैं नहीं करूँगा। उसने धमक दे के धमकी लगाई थी खटिया पर आकर के, फिर उसने छोरी ने मना करा, उसके फिर हद कर दी उसने छुरी से, जान से मारने के लिए कोशिश कर दी थी उसने। हमला भी किया, हमला कर दिया। क्या लगा, गले कितना कट गया? गले बहुत कट गए, यहाँ से छुरी से मतलब कट गया, खाली नस बची नहीं तो पूरा गला वो तोड़ डाला। फिर उस बात ये हाथ में उंगली पर भी ज़्यादा लग गए थे, वहीं भी टाका आ गए, फिर बड़ी उंगली पर भी आया टाके, वहीं भी छुरी आ गई थी उसमें। अब वो पीछे खिड़की से अंदर आया घर में छोरी के पास, अब पूछा शादी करने का तो छोरी ने इनकार किया, तो इसके ऊपर हमला किया, छुरी उरी चला दी और बाद में ये दुर्घटना हुई। कितना गला कटा? गला तो इतना पूरा कट गया, वो तो थोड़ा ही बचा वरना जान से ही मार देता। क्या नाम लड़के का? लड़के का विकास। कहाँ का रहने वाला है वो? वो वहीं का रहने वाला है, नौपाड़ा का। उनके खास निवासी वहाँ दुल्लकपुरा की है, पर वहाँ पे प्लाट लेके अभी 2-3 साल से वहीं रह रहे थे। आज सुबह लगभग 4 बजे पारा चौकी क्षेत्र का नवापाड़ा गांव है, वहाँ पर एक घटना प्रकाश में आई है। आरोपी विजेश उर्फ विकास और बच्ची है रूमा बाई, दोनों के बीच में विजेश के द्वारा बताया गया कि उसके एक तरफा प्रेम संबंध था उसका और वह उससे विवाह करना चाह रहा था। रूमा बाई के घर में जब वो रात में 4 बजे घुसा और उसने रूमा को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो रूमा ने उससे इनकार किया, तो उसने फिर गुस्से में आकर उसके गले पे चाकू से वार किया, जिससे रूमा बाई गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके गले पे काफ़ी गंभीर चोट लगी है। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा रूमा बाई को अस्पताल में एडमिट किया गया और उपचार कराया गया। साथ ही आरोपी विजेश उर्फ विकास को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई और विजेश को पकड़ लिया गया है। रूमा बाई की हालत अभी ठीक है, विजेश को पकड़कर पूछताछ की जा रही है और जो भी पुलिस की प्रक्रिया है वो की जा रही है।